मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव, 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। स्ट्रांग सिस्टम की वजह से शनिवार को भी प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होने के बाद अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार 29 जून को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी 17 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मॉनसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिससे आगामी दिनों में भारी बरसात होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, इस वजह से प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम बना हुआ है। स्ट्रांग सिस्टम की वजह से शनिवार को भी प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। राजधानी भोपाल में शाम तक 1 इंच बरसात हुई, तो वहीं सिवनी, उमरिया और खजुराहो में 1-1 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज इन जिलों में अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, कलाम, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छत्तीसपुर, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, मंडरा, डिंडौरी और बालाघाट में बारिश की संभावना है, जबकि कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, आगर, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, गुना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, दामोपन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी में हवा आंधी के साथ बारिश हो सकती है। कहां कितना दर्ज हुआ तापमान, मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहा, जबकि भोपाल में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23.0 इंदौर, 23.6 24.6 ग्वालियर, 32.2 26.0 जबलपुर, 32.7 25.8 और उज्जैन में अधिकतम तापमान 32.0 25.0 डिग्री दर्ज किया। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, यहां दिन का तापमान 26.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सिवनी में 27.2 डिग्री, मलाजखंड में 28.5 डिग्री और मंडला पारा 28.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। बता दें कि मानसून दस्तक के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है।